फेसबुक पे बूस्ट करने के लिए ना आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं। एक तो आप जब भी एड प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो आपको जाना होगा एड मैनेजर पे, मैनेज facebook.com/ads manager। आप इस एड्रेस को खोलेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इसको यहाँ से एड्स रन करें। यहाँ पे आप रोल कोई भी डिफाइन करेंगे, जो भी आप ऐड करने जा रहे हैं आप इसको, उसका जो आपका मकसद होगा उसको कैंपेन रन करने का, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसमें जैसे आप करते थे पीपीसी में, इसमें भी आपकी उसी तरह कैंपेन बनेंगे। कैंपेन में एड सेट होंगे, एड सेट में फिर आप फर्दर एड्स रन करेंगे। और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डायरेक्ट जाएं जाएं एड्स मैनेजर पे, वहां से रन कर लें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पेज को ओपन करें और पेज को ओपन करके कोई भी पोस्ट रेफर्स करें। आप किसी भी पोस्ट को या किसी भी इवेंट को यहाँ से अगर डायरेक्टली बूस्ट करना चाहें तो आप अपने पेज पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें और कोई भी जो इवेंट है आपके पास, जैसे अगर ये है तो आप यहाँ पे इसको बूस्ट अगेन करके या बूस्ट करके आप इसको यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। जैसे इस इवेंट को आप बूस्ट करना चाहें तो फिर यहाँ से आपकी क्या होगी, एक रूटीन स्टार्ट हो जाएगी जिसके जरिए आप इवेंट को बूस्ट कर सकेंगे। मतलब नॉर्मली आप क्या बन रहा है, साथ आप ये देखें, ये इसको आप यहाँ पे एड डिजाइन कर रहे हैं तो उसने आपकी पोस्ट का ही जो प्रीव्यू है वो आपका उठा लिया उन्होंने, और वो पोस्ट का प्रीव्यू उठा के यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि आपकी पोस्ट इस तरह से शो होगी, फ्राइडे 19 मार्च 4 AM पे बिजनेस ग्रोथ विद अलीबाबा, इस तरह से टाइटल उठ गया। इंटरेस्टेड का बटन शो होगा यहाँ पे, इसमें आपके पास प्रीव्यू है, ये आपका मुख्तलिफ स्क्रीन्स के प्रीव्यू आपको दिखाता है यहाँ पे कि ये डेस्कटॉप की न्यूज फीड में आपका एड कैसे शो होगा, और अगर आप देखें तो मोबाइल की न्यूज फीड में आपका एड्रेस कैसे शो होगा। इसी तरह देखें तो सजेस्टेड वीडियोस ऑल मोबाइल में आपका एड कैसे शो होगा। फेसबुक सजेस्टेड वीडियोस में अगर आप देखें, जैसे वॉच की फीड होती है उनकी, एक टैब है जो आपको पता है मोबाइल में जिसमें वीडियोस आती हैं आपको, तो वहां पे आपका एड किस तरह से डिस्प्ले होगा। फेसबुक सजेस्टेड वीडियोस में आपका एड किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो आप अपने एड का जो व्यू है वो कंट्रोल कर सकते हैं और उसको यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको आप यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं। जी फर्ज करें यहाँ पे आपका यू है और इसको आप चेंज कर लें, इसको आप टच टेक को बड़ा कर लें और यहाँ पे आप इसको इतना गायब कर लें, ठीक है। तो ये आपका इतना जो इमेज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको चाहें तो ये एडिट ऑप्शन है, तो आप चाहें तो यहाँ से इमेज नया चूज कर लें। चूज इमेज करके जो भी आपके पास यहाँ पे पोस्ट आपने की होंगी सो फॉर, वो पोस्ट आपके पास अवेलेबल होंगी। इंस्टाग्राम का पेज अगर आपका लिंक है तो अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वो आपका इंस्टाग्राम के अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उठा लेगा। अगर नहीं तो यहाँ पे ये स्टॉक इमेज भी मिलते हैं आपको कि आप इन स्टॉक इमेज को यूज कर लें। मतलब कोई भी कैटेगरी, ये फर्ज करें कि यहाँ पे आप कहते हैं कि जी सिक्योरिटी, ये फर्ज करें तो आप सिक्योरिटी का कीवर्ड डालेंगे तो ये शटर स्टॉक जो एक इमेज प्रोवाइडिंग कह लें सर्विसेज है, और वहां से ये आपको जो है ना कुछ इमेज डाउनलोड सजेस्ट कर देगा। फर्ज करें आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, आप इस इमेज को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट कर लें तो अब क्या हुआ, आप देखें कि आपका इमेज जो है वो चेंज हो गया। जो इमेज आपका पोस्ट का था उसकी जगह से ये वाला इमेज आ गया। तो आप इस तरह से भी इमेज को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपका जो एड है वो किसी खास कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप इसको उसमें फिटिंग कर सकते हैं यहाँ से। जैसे क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट कोई किसी कोई मखसूस कैटेगरी है तो आप यहाँ से ये आपके पास कैटेगरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आप इन इन चार कैटेगरीज में से किसी में अगर इसको ब्रांच करना चाहें तो वो उसको ब्रांच कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप करते हैं ऑडियंस डिफाइन करते हैं कि आप इस ऑडियंस को टारगेट किस तरह, किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर आप इसको एडिट करें तो यहाँ पे आप ऑडियंस अपनी डिफाइन करते हैं। ऑडियंस आप बताते हैं कि जी आप किसको ऐड शो करना चाह रहे हैं। तो अब मुख्तलिफ यहाँ पे आपके पास ऑडियंस की डेफिनेशन या इंडिकेटर या आइडेंटिफायर्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसकी बेस पे आप एड शो करवा सकते हैं। फर्ज करें आप चाहते हैं कि ये एड सिर्फ मेन को शो हो, वुमेन को शो ना हो, तो आप मेन कर लें। तो आप इसमें साथ ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे ही आप इसको करेंगे तो आप अगर नीचे जाएं इसमें तो
तो यहाँ पे आपको नहीं शो हो रहा है, सिर्फ ऑनवर्ड आपको फर्दर शो होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से, हमने मैन को कर लिया, फिर उसके बाद ये एज का स्लाइडर है। आप चाहें तो एक एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने फर्ज कर दीजिए ये 30 से लेके 55 तक की एज तक के लोगों को टारगेट किए, जिसमें कि मैन होंगे। उसके बाद लोकेशन बेस आप टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, जैसे लोकेशन आई है ना, तो आपको वो पोटेंशियल रीच भी आपको नीचे बता रहा है। पोटेंशियल रीच जो आपको बता रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि आपके इस एड की, अगर आप इसी को रखें, इसी सेटिंग को अगर आप एनेबल्ड रखें, तो आपकी जो रीच है वो 1,60,000 लोगों तक होगी इस एड की। अब इसमें लोकेशन मैंने सियालकोट डाल के रखी है, अगर आप चाहें तो आप इसको कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं। आप इसमें इसका जो रेडियस है वो भी आप उसका कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब जैसे फर्ज करें कि ये पिन, इसे कहते हैं पिन, ये जो यहाँ पे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो मैं इसको अगर कहीं पे भी ड्रॉप करता हूँ, तो या यहाँ से आप ड्रॉप पिन करें और आप किसी दूसरे टारगेट को, आप प्रेफर करें इस गुजरात में इस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अब आपका जो एड है वो दो ऑडियंस को शो हो रहा है लोकेशन बेस पे। एक आपका जो एड है वो होगा शो सियालकोट में, जिसमें जो भी आपका पिन पॉइंट था उसकी +25 माइल सराउंडिंग में, ठीक है जी। मतलब पिन पॉइंट से ये देखें, अगर आप इसको अगर इलस्ट्रेशन करके दिखाऊं आपको, तो यहां से ये देखें आपका कि प्राइस चेंज तो डेफिनेटली आएगा। दिस इज नॉट द पॉइंट कि प्राइस चेंज आएगा कि नहीं आएगा, पॉइंट इज कि आप टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप टारगेटिंग कर सकते हैं, सो यू कैन टारगेट हाउ यू कैन टारगेट, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसमें ये आ गया कि आप, एक तो आपका ये सियालकोट आ गया, सियालकोट जो आपका पिन था, पिन से उसके इर्द गिर्द 25 माइल को आप टारगेट कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप बिल्कुल नैरो ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप एक और चीज ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि जैसे ही आपने एक लोकेशन और ऐड की, गुजरात की ऐड की आपने लोकेशन, तो 2,80,000 आपके ऐड की जो रीच है वो इतनी हो गई। तो इसमें उसने ये दो पॉइंट उठाए हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैप जो आपका काम करता है, वो दुनिया का जो भी आपका चप्पा चप्पा है, वो उसके दो पार्ट, दो उसकी पॉइंट बनते हैं, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। तो ये उस पॉइंट का जहाँ पे मैंने अभी अपना पिन ड्रॉप किया है, ये उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। और प्लस वो कह रहे जी इसके 10 माइल के इर्द गिर्द जितने भी लोग हों, जो यूजर हों फेसबुक के, उनको ये ऐड शो कर दिया जाए इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के दरमियान और उसके सराउंडिंग में 10 माइल्स के अंदर अंदर। अभी तक हमने जितनी टारगेटिंग की है उसमें मैन भी थे, तो हम ऐड अभी तक ये कह रहे हैं कि ये जो गुजरात का पिन है इसमें और इससे 10 माइल के सराउंडिंग में जितने मैन हैं जो कि 25 से लेके 55 तक हैं, उनको मेरा ऐड जो है ना वो शो करवा दिया जाए। तो सबसे पहले आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, आप अगर चाहें तो इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप नैरो करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे जी, आप यहाँ से 10 माइल के बजाय आप कह दें नहीं मैं 10 माइल नहीं, मैं बिल्कुल क्लोज जो है ना मैं 1 माइल के अंदर अंदर करता हूँ या 2 माइल के अंदर करता हूँ। तो जैसे ही आप 2 माइल करते हैं तो आपकी देखें नीचे रीच भी जो है ना वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है जी। तो इसमें इसी तरह से आपकी रीच कम या ज्यादा होगी, हम लोग इसको भी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके क्या होते हैं। तो आप ये देखें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड आर एंगल्स मेजर्ड विद द सेंटर ऑफ द अर्थ एज एन ओरिजिन, एज लॉन्गिट्यूड इज एन एंगल फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन मेजर टू द ईस्ट, लेटिट्यूड मेजर एन एंगल अप फ्रॉम द इक्वेटर। अच्छा, इसमें जो है ना वो ये आपका, इसको आप इस तरह से अंडर कर लें, जो आपको अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को बताएगा वो तो जियोग्राफी का कोई बंदा जो है ना वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। आप इसको ये डिफाइन कर लें कि आप जहां पे भी बैठी है ना इस टाइम, तो उसकी एक लोकेशन है, उसकी एक उसका एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। जब आप फूड पांडा से कुछ ऑर्डर करते हैं या जब आप करीम से किसी राइडर को बुलाते हैं, तो वो कैसे एग्जैक्टली आपकी उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है, क्योंकि लोकेशन
दुनिया के जो भी आपका एक जिस पे आप चप्पा चप्पा है उसका एक उसकी एक पॉइंट है उसका, जिसे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कहते हैं, तो उस पॉइंट की बेस पे आपकी लोकेशन डिटरमिन हो जाती है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इतना कर लें। अगर लॉन्गिट्यूड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो फिर आप उसको गूगल करके स्टडी कर लीजिएगा। ये जो आपने टारगेटिंग सो फार की, ये सारी की सारी आपकी लोकेशन बेस पे आपकी अभी आपने की है। तो देखें इसको सिंपल सा फॉर्मूला, आप प्राइसिंग का अगर फॉर्मूला समझ लें, अगर सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप प्राइसिंग के लिए समझ लें, तो जितनी ज्यादा आप रीच, जितनी ज्यादा पोटेंशियल रीच आपकी होगी, उतना ही आपकी एड की फिर कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें यह कि आप पाकिस्तान को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप पूरे पाकिस्तान को कर लें। आप यहाँ पे चाहें तो सियालकोट ना करें, फॉर इंस्टेंस आप इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, और यहाँ पे आप क्या करें, इसको कंट्री लेवल पे डिसाइड कर लें। आप यहाँ से पाकिस्तान डाल दें, तो जब ये सर्च परफॉर्म करेगा तो ऑटो फैच कर लेगा ये पाकिस्तान को, और जब वो ऑटो फैच करेगा तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। डेफिनेटली जी, बजट भी डेफिनेटली वो डिफाइन करेगा। ये इसका इसका अप्रोच मैक्सिमम, इसकी इसमें इतनी पॉसिबिलिटी है आपके पास रीच की। आप जितना बजट एलोकेट करेंगे, जितने दिन की कैंपेन रन करेंगे, उतना आपका वो फिर हो जाएगा। बजट की लिमिट आप लगा सकते हैं, लेकिन ये आप समझ लें कि यहाँ पे जो पोटेंशियल रीच है ये इसका मैक्सिमम है आपके पास, कि आप इतना रीच कर सकते हैं। यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लें, तो अब ये होल पाकिस्तान आपका आ गया। तो यहां से ये अब कितने हैं जी नंबर, 11 लाख, कम नहीं, 11 लाख नहीं, 11 करोड़ है ये, कितना है, 1 करोड़ 10 लाख है आपके पास। अब यहां पे ये तो आपकी सबसे पहले जो आपने टारगेटिंग की थी ये आपकी थी जियोग्राफी के बेस पे, आपने लोकेशन बेस पे इसकी टारगेटिंग की, जिसको भी आप एड शो करवाना चाह रहे हैं। अब नीचे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है डिटेल्ड टारगेटिंग की। डिटेल्ड टारगेटिंग में अब आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, एंड यू हैव सम मोर कैटेगरीज जिसकी बेस पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप एजुकेशन लेवल पे लोगों को, जो फर्ज करें आप उन लोगों को ऐड शो करवाना चाह रहे हैं जिनके पास एसोसिएट डिग्री हो, या आप करें जी जिनके पास मास्टर लेवल की डिग्री है, ठीक है, या आपने एजुकेशन के लेवल पे उनको टारगेट कर लिया। तो इसके बाद आप चले जाएं जी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आप कहते हैं जिनकी इनकम जो है ना हाउस होल्ड इनकम, अब ये तो आपका यूएस का स्टैट्स है। आप तो इसी तरह से आप लाइफ इवेंट्स की बेस पे आप उनको चेक कर लें, एनिवर्सरी है, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, और जी इट्स वेरी वास्ट। आप इसको मतलब बहुत डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। इवन इसमें यहाँ पे आपको वो भी शो हो जाएगा, बर्थडेज भी आएंगी जिनके अपकमिंग बर्थडे आने वाली हैं जिनकी, अगर आप फर्ज करें केक बनाते हैं, अगर आप केक बनाते हैं या कोई ऐसी आइटम बनाते हैं जो कि आप किसी को बर्थडे मंथ पे लोग करते हैं उसको सेलिब्रेट या इवेंट करते हैं, तो आप मार्च के कोई फर्ज करें मार्च की ही आप मार्च के मंथ के केक्स वगैरह बनाए, उनकी तस्वीरें लगाएं, उनको बूस्ट कर दें, तो आप सिलेक्टिव ऑडियंस को पहुंच सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स ऑफ, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनके फ्रेंड्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या न्यू जॉब मिली है जिनको, न्यू रिलेशन है, या जो न्यूली इंगेज हुए हैं, जिनको न्यूली इंगेज हुए 1 साल हो गया, और जिनको न्यूली इंगेज हुए 3 मंथ हो गए, और जिनको न्यूली इंगेज हुए 6 मंथ हो गए। न्यूली वेड्स को टारगेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि आपकी बेबी प्रोडक्ट है, तो आप न्यूली वेड्स को टारगेट कर लें, जो रिसेंटली मूव हुए उनको टारगेट कर लें। तो आपके पास बहुत बहुत कंट्रोल है यहाँ पे, बिल्कुल नैरो करके आप अपने मार्केट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पेरेंट देखें, जो लोग रिसेंटली पेरेंट हैं, वो लोग जिनके बेबी पेरेंट्स हैं, ठीक है जी। तो और ऑल टाइप ऑफ पेरेंट्स हैं, या वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो हैं वो 18 से 26 की रेंज में हैं, अर्ली एज में हैं, प्री स्कूलर्स हैं, प्री टीन्स हैं, टीन्स हैं, ठीक है जी। तो बहुत आपके पास वास्ट अवेलेबल है रेंज जिसको आप टारगेट कर सकते हैं।
पेरेंट्स के बाद रिलेशनशिप कर लें जी, रिलेशनशिप स्टेटस में आप जो है ना यहाँ पे कर लें, सिंगल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा सिंगल ही हैं, तो आप सिंगल कर सकते हैं इनको, सिंगल को टारगेट कर सकते हैं। फिर वर्क पे चले जाएं जी, वर्क में आप इंडस्ट्रीज में कोई, अगर किसी खास इंडस्ट्रीज में लोग एम्प्लॉयड हैं तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने जो सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको सारे डेमोग्राफिक्स के तक लेके गया, लेकिन मैंने इसमें से सेलेक्ट सिर्फ मास्टर्स डिग्री वालों को किया था। तो मास्टर्स की डिग्री वाले जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने उनके वो लिस्ट में आ गए। ठीक है, अब इंटरेस्ट की बेस पे आप जो है ना लोगों को इंटरेस्ट की बेस पे भी चार्ज कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। जैसे वो लोग जिनका इंटरेस्ट है जी इस कैटेगरी में, एंटरटेनमेंट में जिनका मूवीज में इंटरेस्ट है आपका जी, जिनको एक्शन मूवीज पसंद है जी, ठीक है जी, और जिनको बॉलीवुड की मूवीज पसंद है उनको आप टारगेट कर लें, फैंटेसी है थ्रिलर मूवीज को कर लें। तो म्यूजिक टाइप पे आप टारगेट कर सकते हैं, रीडिंग टाइप पे आप लोग टारगेट कर सकते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं इस तरह की, फिटनेस एंड वेलनेस है जिनको बॉडी बिल्डिंग का पसंद है, मेडिटेशन जो है जिनको उसमें इंटरेस्ट है, रनिंग में है, योगा में है, फूड एंड ड्रिंक्स हैं, हॉबीज एंड एक्टिविटीज हैं जी ये वाली उनकी, शॉपिंग एंड फैशन है, क्लोथिंग जो क्लोथिंग में है। फिर इसमें आप कमर्शियल इंटेंट वाले, बाइंग इंटेंट वालों को टारगेट कर सकते हैं। ये आपके सामने इतनी ज्यादा इसमें डिटेल टारगेटिंग अवेलेबल है। आप एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसमें यहाँ पे सिलेक्ट करें, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आप करें बाइंग, तो अगर आप जब बाइंग करेंगे तो वो अब आपको बता रहा है कि बाइंग अ हाउस, ठीक है जी, और ग्रुप बाइंग, बेस्ट बाय, तो बाइंग इंटेंट अगर आप कर लें, या फिर यहाँ पे आप कमर्शियल करें जी, ठीक है, तो अब वो आपके जो इंटरेस्ट हैं वो इन में किसी में इंटरेस्ट है उनका, तो वो वहां पे ले आया। अभी जब मैं यहां से जाऊंगा बिहेवियर में, तो यहां से जब आप बाइंग करेंगे तो अब आपके पास बिहेवियर्स में जो है ना वो आई होप के डाटा लेके आएगा जो इंटरेस्ट लेवल पे आ रहा है आपका। ये आप नीचे देखें कैटेगरीज है आपके पास इंटरेस्ट की, तो आप या तो टाइप कर लें या फिर आप यहाँ पे कैटेगरी में जाके सिलेक्ट कर लें। अब बिहेवियर में आपके एक्सपर्ट्स हैं, आप जो लोग लिव्ड इन ब्राजील, फॉर्मली एक्सपेक्ट इन ब्राजील, फैमिली ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, मतलब वो लोगों, वो फैमिलीज जिनके, वो दोस्त जिनकी फैमिली अब्रॉड में रहती है। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ कंट्रीज को लोग जो है ना उनको टारगेट कर सकते हैं आप, ठीक है जी, और आपके पास एक बहुत अवेलेबल, आप डिवाइसेस की बेस पे चार्ज कर टारगेट कर सकते हैं लोगों को, कि आप वो, आप हर उस यूजर को टारगेट करना चाह रहे हैं जिसके पास किसी भी ब्रांड का मोबाइल है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं सिर्फ उनको टारगेट करना चाह रहा हूं जिनके पास टैबलेट्स में फेसबुक इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जिनके पास फेसबुक की एक्सेस है, फेसबुक ऐप इंस्टॉल्ड है, तो हम, और टैबलेट है, वो टैबलेट पे यूज करते हैं उसको, हम उसको टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। नेटवर्क कनेक्शन की बेस पे आप चार्ज करना चाह रहे हैं कि जी कोई जिनके पास वन प्लस है आप उनको चार्ज कर लें, या न्यू स्मार्टफोन एंड टैबलेट के यूज पे कर लें। यूजेज टाइम की बेस पे आप लोगों को कर सकते हैं, ठीक है जी, जिनका यूजेज यूज टाइम जो है वो यूज अ मोबाइल डिवाइस इतने अरसा उनको हो गया इस्तेमाल करते हुए जी। मोर कैटेगरीज इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स एंड पॉलिटिक्स, ये यूएस का डाटा अवेलेबल है सिर्फ उनके पास। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप अपनी एक ऑडियंस को डिफाइन कर लेंगे, और जो ऑडियंस आपकी होगी, और जैसे ही आप देखें जब ये ऑडियंस डिफाइन करके आप जाएंगे, तो फिर आपको वो पोटेंशियल रीच भी आपकी जो है ना वो प्लस माइनस हो जाएगी। तो अभी हम इसको यहाँ से करते हैं और हम इसको यहाँ पर वापस देखते हैं जाके, तो अब इसको आप अगर देखें तो ये सारे के सारे आपके इंटरेस्ट जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे अब आपकी जो ऑडियंस है वो भी थोड़ी कम हो गई है। इस ऑडियंस को आप चाहें तो आप इसको यहाँ से सेव कर लें। अब ये सेव करके आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं, रीयूज मतलब ये ऑडियंस आपकी सेव रहेगी, इसको आप नाम दे देंगे कोई, और वो फिर आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं आप इसको।
अच्छा जी, इसमें एक तो ये हो गया आपका, फिर यहाँ पे मजीद आप जो है ना, ये भी ऑडियंस ही है, ये अगर आप करना चाहें तो आप ये ऑडियंस, या ये हमने नई ऑडियंस डिफाइन की है, और ये ऑडियंस वो है जो कि प्री डिफाइंड हमने पहले जिनको कभी ना कभी यूज कर किया था, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास है यहाँ पे ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन आप कहते हैं कि जी मैं इस कैंपेन को 7 दिन या 8 दिन या मैं 5 दिन रन करना चाह रहा हूँ। देखिए जितना मैं बजट बढ़ा रहा हूँ उसकी रीच भी इंक्रीज होती जा रही है आपकी 8 डेज में, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आप इसमें एंड डेट डिफाइन कर सकते हैं, और एंड डेट डिफाइन करके वो उस वक्त तक आपको चल जाएगा। अब इसमें यहाँ पे ये देखना होगा आपको कि ये ना अभी इसकी कॉस्ट बन रही है $16, तो वो क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा रखी है लिमिट, तो लिमिट की वजह से वो मुझे कह रहा है, मैंने अपर लिमिट लगा रखी है इसके यूजेज की $25, तो वो कह रहा है कि अगर आप इसमें $10 का स्पेंड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अगर मैं ये ऐड भी लगाऊं तो $16 बनेंगे। तो क्योंकि वो $16 बन जाएंगे, तो जी आप अपनी जो लिमिट है ना आप उसको रीसेट करें, तब जाके आपका एड वो डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको मतलब फर्ज करें 1 दिन कम कर लेता हूँ, और बजट इसका जो है वो मैं, अच्छा बजट इसका वही है, यहाँ पर बजट हम लोग इसका ये कर लेते हैं $15, ठीक है। अब मैंने $15 किया तो आपका अब ये बूस्ट हो सकता है, ठीक है जी। साथ साथ आपको यहाँ पे वो नंबर शो कर रहा है कि इतने पे लोगों को आप रीच करेंगे, और इसमें इतने एक्सपेक्टेड हैं आपके रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे आप इसको कह रहे हैं कि पेमेंट मेथड यहाँ पे कार्ड आ गया। अब फेसबुक पिक्सल वो कह रहे हैं कि जी आप इसके लिए कोई पिक्सल यूज करना चाह रहे हैं। पिक्सल बेसिकली फेसबुक का एक ट्रैकिंग, अ वे ऑफ ट्रैकिंग है आपकी एड की ऑप्टिमाइजेशन का। पिक्सल में क्या होता है कि वो आपको एक कोड देते हैं, और वो कोड जो है ना वो आप अपनी वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल करते हैं, तो फिर आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि आपके एड ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये आपका एक एड प्लेसमेंट है अगर आप पोस्ट बूस्ट करना चाह रहे हैं। अभी हम एड मैनेजर के थ्रू नहीं आए, जहां पे हम कैंपेन रन करते हैं और कैंपेन को फ्रॉम स्टार्ट करते हैं, और कैंपेन का हम लोग उसके ऊपर कैंपेन का हम लोग लेना चाह रहे हैं आपका, जो उस पर जो हमारे गोल्स होंगे उनको अचीव करना चाह रहे हैं, वो जब हम कैंपेन रन करेंगे तो वहां पे हम लोग उसको देखेंगे। जो पिक्सल देखें आपका, ये तो वैसे इवेंट है ना आपका, बोल इवेंट है आपका, लेकिन डिपेंड करता है आपका कि आपका गोल क्या है। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे आपका गोल हो कि फर्ज करें कि ये आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कुछ आइटम सेल करते हैं, तो आपका गोल क्या होगा? आपका गोल ये होगा कि लोग, आप कहते हैं इंटरेस्टेड की जगह आप यहाँ पे शो करवाएंगे कि विजिट या बाय नाउ, ठीक है। अब वो बाय नाउ करके किधर जाएगा? वो किसी वेबसाइट पे जाएगा जहां से वो बाय करेगा, ठीक है ना। तो उस वेबसाइट में वो फिर पिक्सल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके जरिए फिर फेसबुक कन्वर्जन को चेक कर सकेगा और आपको रिपोर्ट दे सकेगा। अच्छा, फेसबुक से आप एड लेके जाएंगे, फेसबुक से आप ट्रैफिक लेके जाएंगे। इनफैक्ट जो आप फेसबुक का ऐड लगा रहे हैं उसका पर्पस ये है कि आप फेसबुक से ट्रैफिक लेके जाएं अमेजोन पे, और यूजर यहां से जाए अमेजोन पे और आपकी प्रोडक्ट बाय कर ले। यहां पे वही मसला हमारे सामने फिर दरपेश हो जाएगा, वही सामने आएगा कि इसमें यहाँ पे दो प्रॉब्लम आएंगी हमारे सामने। एक तो यह है कि अमेजोन जो आपको रैंक करता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को रैंक करता है, वो रैंक करता है अगेंस्ट कीवर्ड, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अमेजोन पे जो परचेज भी सारी हो रही है आपकी, वो कीवर्ड के अगेंस्ट ही हो रही है, तो कीवर्ड पे रैंक करना तो बहुत जरूरी है ना आपका।
मतलब जो भी बंदा बाइंग कर रहा है आके, तो बाइंग करने के लिए वो क्या यूज करता है? दो ही ऑप्शन होती है, या तो वो कैटलॉग को ब्राउज करता है, मेन्यू को, कैटेगरी को ब्राउज करेगा, या फिर सीधा सीधा सर्च बार में टाइप करेगा। ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो सर्च बार में टाइप करेगा। तो कीवर्ड पे टारगेट रैंक करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अमेजोन आपको कीवर्ड पे जो रैंक करता है, वो आपको आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे होगा। स्टेप इसके क्या होंगे, बायर सर्च फॉर समथिंग, ही फाउंड योर प्रोडक्ट, ही क्लिक्स ऑन इट, ही बायज इट, ठीक है जी, और उसने यहाँ पे इसको बाय कर लिया। ठीक है जी, ये प्रोसीजर हुआ। तो अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को कह दिया, अच्छा ठीक है भाई, इस कीवर्ड के ऊपर ये जो प्रोडक्ट आ रही है, ये इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को शो किया जाए कि लोग इसको सर्च भी करते हैं, मिलती है तो इसको बाय भी कर लेते हैं, और बाय करके फिर हैप्पी भी होते हैं। लेकिन आप जो सिचुएशन कर रहे हैं, आपकी इस सिचुएशन में तो कस्टमर सर्च ही नहीं कर रहा। इस सिचुएशन में तो कस्टमर क्या कर रहा है, वो सिंपली यहां से जाता है फेसबुक से, सीधा डिटेल पेज पे लैंड करता है, और डिटेल पेज पे लैंड करके वहां से बाइंग कर लेता है। तो अमेजोन को ये तो पता ही नहीं चला कि इसको किस कीवर्ड के अगेंस्ट ये रैंक की जाए प्रोडक्ट। वो एक डायरेक्ट सेल हो गई आपकी, ठीक है ना, और डायरेक्ट सेल ठीक है, सेल वेलोसिटी आपकी हो गई, और लेकिन आपको जो है कि कीवर्ड के अगेंस्ट आपको जूस कह लें, या आपको कह लें एसईओ जूस कह लें इसको, या कह लें कि बेनिफिट नहीं आपको मिला, बल्कि आपको इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि अगर अमेजोन ये कह सकता है कि फिर 100 बंदे आए, 100 के 100 ही आए, और 100 के 100 ने ही बाय करके डायरेक्ट लिंक से बाय किया, और 100 के 100 ने ही पॉजिटिव रिव्यू दे दिया, तो दैट मीन्स कि इसमें 100 के 100 ने रिव्यू भी दे दिया, और 100 के 100 ने जो रिव्यू दिया वो पॉजिटिव दिया, 5 स्टार दिया, तो दैट मीन्स कि ये कुछ रिव्यू मैनिपुलेशन हो रही है। ठीक है जी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं है आपकी, और यहाँ पे आपका वो इसको किसी तरह से वो नहीं किया जा सकता, वैलिडेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप अगर अपना कल वाला लेक्चर अगर रिवाइज करें, तो कल मैंने आपको बताया था सुपर यूआरएल। तो सुपर यूआरएल में हम लोग जब सुपर यूआरएल हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि जब भी कोई सर्च Amazon पे परफॉर्म की जाती है, तो उस सर्च को एक आईडी अलॉट किया जाता है, जिसे क्यू आईडी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यूआरएल बना लेते हैं, जैसा कि कल हमने हेलियम के फ्री टूल को यूज करते हुए यूआरएल एक कंपोज कर लिया था, जिसमें हमने हिडन जो कीवर्ड था वो पास कर दिया था। तो हम क्लाइंट को क्या करते हैं कि डायरेक्ट Amazon का जो डिटेल पेज होता है, उस पर नहीं हम वो करते हैं उसको सेंड, हम क्या करते हैं, हम उस सुपर यूआरएल के ऊपर क्लाइंट को भेजते हैं, और क्लाइंट उस सुपर यूआरएल से जब क्लिक करके बाय करता है, तो उस पे हमें कीवर्ड पे कुछ बेनिफिट मिल जाता है।